हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। फ्री फायर के एक्सपेंशन पैक जो बार बार डिलीट हो जाता है, उसके लिए वीडियो बना रहा हूं। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, सैमसंग यूजर्स के लिए है स्पेशली। तो मैं दो वीडियो तो पहले ही बना चुका हूं, लेकिन पता नहीं आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है। सैमसंग वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारा कमेंट भी आया है। तो उन्हीं लोग बोले हैं ये वीडियो बनाने के लिए, जैसे कि ये बोल रहे हैं मेरे पास सैमसंग M21 है और उसमें वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है जो मैं बताया हुआ था वीडियो में, वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो देखो यार, ये अलग अलग अपडेट में अलग अलग मोबाइल में ऑप्शन का नेम कुछ कुछ चेंजेस रहता है, तो वही सब बात को इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है और जो ऑप्शन मैं बताया हुआ था, जो सेटिंग बताया हुआ था, वो सब नहीं मिल पा रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। आपका एक्सपेंशन पैक सैमसंग में नहीं डिलीट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग कमेंट करके बोले हैं, इसी कारण से मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूं, नहीं तो दोनों में तो मैं पूरे का पूरा आपका टॉपिक कवर कर ही दिया था। और गाइस, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें यार, और बेल आइकन में से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले ही मैं बता चुका हूँ मेरे पास सैमसंग का मोबाइल नहीं है, इसी कारण से मैं बहुत सारा स्क्रीनशॉट सैमसंग का डाउनलोड करके रखा हूँ, उसी सब के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देख लीजिए, ये सैमसंग का ही स्क्रीनशॉट है। आप ऊपर नोटिफिकेशन को स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है अननेसेसरी डाटा डिलीटेड, 663 MB क्लियर किया गया है 1:24 में, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी में आपका जो फ्री फायर का एक्सपेंशन पैक है वो डिलीट हो जाता है। तो ऐसे अगर आपके में नोटिफिकेशन आता है कभी भी, तो इसको टच करके भी आप डायरेक्ट अननेसेसरी डाटा जो ऑटो डिलीट होता है उसको ऑफ कर सकते हैं, अगर ऐसे ऊपर में कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए, डिवाइस केयर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेंटर पे, ठीक है। डिवाइस केयर के ऑप्शन पे जाना है। अगर आपके मोबाइल में डिवाइस केयर नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये तीन अलग अलग नाम से भी आता है अलग अलग मोबाइल में, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, ये एंड्रॉयड 11 कुछ भी रहे यार, मुझे उसका जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें डिवाइस केयर लिखा हुआ है। अगर ये नहीं दिख रहा है तो दूसरा आपको दिखाता हूँ। तो ये भी सैमसंग का ही स्क्रीन शॉट है, इसमें देख लीजिए डिवाइस मेंटेनेंस लिखा हुआ है, इसमें डिवाइस केयर नहीं है, इसमें डिवाइस मेंटेनेंस है। तो इसके अंदर जाएंगे तब आपको स्टोरेज बूस्टर के स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा या फिर स्टोरेज बूस्टर का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको जाना रहेगा। तो डिवाइस मेंटेनेंस आपके लिए डिवाइस केयर समझ लीजिए इसको। अगर आपके में डिवाइस मेंटेनेंस भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस वाले स्क्रीनशॉट में देख लीजिए बैटरी एंड डिवाइस केयर लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग मोबाइल में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 10, उसमें अलग अलग नाम से है। इसके सैमसंग की वेबसाइट में भी मैं पढ़ा कि इसके नाम को चेंज कर दिया गया है, पहले डिवाइस मेंटेनेंस था, उसके बाद फिर डिवाइस केयर कर दिया गया, अब बैटरी एंड डिवाइस केयर करके आता है। तो अगर ये सभी आपके में नहीं मिलता है तो आप अलग अलग नाम से जान सकते हैं इसको, इसी तरीके से आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। और इसके बाद भी आपके में नहीं मिलता है तो सैमसंग की मोबाइल में ऊपर में देख लीजिए सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उसमें आप डिवाइस लिख करके सर्च कर सकते हैं, या फिर डिवाइस केयर, डिवाइस मेंटेनेंस, बैटरी एंड डिवाइस केयर, ये सभी सर्च करके देख सकते हैं। तो आपको सिंपली डिवाइस केयर के ऑप्शन में जाना है। डिवाइस केयर में जाने के बाद आपको स्टोरेज का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे होंगे ऐसे ही स्टोरेज का ऑप्शन दिखाई देगा। स्टोरेज नहीं दिखाई देगा तो स्टोरेज बूस्टर करके दिखाई देगा, थोड़ा बहुत नाम चेंज रहेगा तो आप उस बात को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसको आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहीं पर देख लीजिए नीचे में डिलीट ऑटो डिलीट अननेसेसरी डाटा दिखाई दे रहा है, ये ऑफ है, इसको ऑफ ही रखना है। आपके में ये ऑन रहेगा तभी फ्री फायर का एक्सपेंशन पैक डिलीट होता है बार बार, तो इसको ऑफ ही रखना है हमेशा से, जैसे कि मैं ऑफ करके रखा हुआ हूँ। ऑटो डिलीट अननेसेसरी डाटा, यही ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अगर ये नहीं लिखा है तो कुछ भी लिखा रहे, लेकिन ऑटो डिलीट करके लिखा रहेगा, ऑटो क्लियर, ऑटो डिलीट कुछ भी लिखा रहेगा, उसको आपको ऑफ करना है, ऑटोमेटिक जो होता है उसको। तो बस सिंपल से इतना ही आपको काम करना है गाइस। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था यार, ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना तो बनता है, क्योंकि आप लोग का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है और इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे से जो हो सकता था मैं जितना अच्छे से समझा सकता था आपको, सैमसंग का अलग अलग मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको समझाया हूँ। अगर मेरे पास एक भी मोबाइल होता फिर भी इतने अच्छे से नहीं समझा सकता, मैं इंटरनेट से सभी को डाउनलोड किया हूँ अलग अलग मोबाइल में कैसे दिखाई देता है, उसके बाद आप सभी को एक्सप्लेन किया हूँ। सो आई होप गाइज आप सभी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।